अगर वाकई तुम उससे प्यार करती हो तो उसे आजाद करो, और अगर वो लौट के तुम्हारे पास आया तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। लेकिन अगर वो लौट के नहीं आया तो समझो कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। देखिए रोहन जी, मुझे टेढ़ी मेरी बात घुमा फिरा के करने की आदत है। सीधी बात तो यह है कि आप जिस तरीके से फिल्म बना रहे हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मिस्टर अग्रवाल, शूट तो नहीं रुकेगी मगर आप यहां से जाएंगे अभी। क्या हुआ जी? क्यों करो ये सब मेरे लिए? तुम क्यों मुझे खुश करना चाहते हो? क्योंकि तुम स्पेशल हो। इट्स रियली सिंपल जिया, यू आर रियली वेरी स्पेशल। लेकिन मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम बहुत सैड हो ना? तुम शायद इसलिए हो क्योंकि तुम अपूर्व को मिस कर रही हो। वो तुम्हें छोड़ के गया और तुम उसके पास जाना चाहती हो, करेक्ट? और तुम ये भी चाहती हो कि अपूर्व तुम्हारे पास आए और कभी दूर ना जाए। मैं हर हाल में अपूर्व को तुम्हारे पास लाऊंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। कम ऑन, गिव अस अ स्माइल। So guys, सब कुछ भूल कर अब हम लोग शूट वापस स्टार्ट करते हैं। एवरीबडी ऑन द पोजिशन प्लीज। मनोज, आर यू रेडी? या अपनी पोजिशन पे आओ समर। अब रिहर्सल करेंगे एक। लाइट्स ऑन प्लीज। या समर, स्पॉटलाइट लो। एंड दिस सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इमोशनल एंगल का ध्यान रखना। इस सीन में सिचुएशन यह है कि तुम सब कुछ हार चुके हो और अब अपने डिटर्मिनेशन की वजह से तुम वापस आने की कोशिश कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके? या, आई गॉट इट। लेट्स गो फॉर रिहर्सल गाइस। साइलेंस ऑन सेट। मनोज, ट्रॉली लेफ्ट टू राइट और धीरे धीरे मिड शॉट। एक्शन। जब घना अंधेरा छाता है तो दिल में इतना या ऐसे क्या? दिल में आगे क्या? आई एम सॉरी, मैं भूल गया। दिल में ऐसा कोई बात नहीं। लाइंस दिखाओ जल्दी। ऐसे। ओके, थैंक यू। रेडी सर? एक्शन। जब
जब घने अंधेरे छाते हैं तो सर ये घने अंधेरे या घना अंधेरा? समर लाइंस पर ध्यान दो। हाँ थोड़ा ओके ओके यू वांट मोर टाइम? नो नो आई एम फाइन। एक शुरू से करते हैं। चलो स्टार्ट कर। जब घना अंधेरा छाता है तो वन मिनट। हेलो यार ये एसी ऑन करना प्लीज। समर टेक में एसी चालू नहीं हो सकता है। जब घना अंधेरा छाता है तो दिल में समर इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम? वेयर इज योर कॉन्सेंट्रेशन? तुम्हें क्या लगता है हम सब लोग स्टूपिड हैं जो तुम्हें ऐसे बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या बर्दाश्त कर रहे हैं आप मिस्टर रोहन? बर्दाश्त तो हम आपको कर रहे हैं। अब अपना ये ज्ञान देना छोड़िए और ये सोचिए कि ये फिल्म कैसे बनेगी। जिस आदमी ने आपके ऊपर भरोसा किया, आपको डायरेक्शन का चांस दिया, आपने उसकी इंसल्ट करके धक्के देके उसे यहां से निकाल दिया। कहां से लाएंगे आप पैसे? और ये मेरी फिल्म क्या लगा रखा है आपने? लुक मिस्टर रोहन सर, ये फिल्म जितनी आपकी है उतनी ही हमारी भी और उस फाइनेंसर की भी। क्या सोच रहे हैं आप? आप खुद तो डूबेंगे और हम सबको भी लेकर डूबेंगे। You're wrong, रोहन सर। हम ऐसा नहीं होने देंगे मिस्टर रोहन, क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा करियर, हमारी प्रेस्टिज सब कुछ इस फिल्म से जुड़ा है। इसीलिए ये फिल्म तो जरूर बनेगी, चाहे आप हो या ना हो। जिस पैसे का तुम रॉब दिखा रहे हो ना, फिल्म उस पैसे से नहीं बनती है, फिल्म पैशन से बनती है, जो पैशन तुम में जरा भी नहीं है। पहले डायलॉग बोलना सीख लो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। ओके इंडिया में कितना पैसा खर्च करते हैं फिल्मों पे। वाह क्या सेट लगा है यार, मजा आ गया। That means इंडिया is progressing by country। मेरा भारत महान। I love my India। भाई साहब आपने अपूर्वा को देखा यहाँ के? Dad, Dad. देखो देखो मतलब देखते रहो कि वो क्या कर रही है यार। उसे लंदन के किस्से और कहानियां सुनाओ, इंप्रेस कर उसे। डैड उसके साथ वैन में बैठने वाला और उसे किससे सुनाने वाला कोई और है। अब्बू अब्बू
सर्वेंट, गुड फॉर नथिंग। डैड, जिया उसे चाहती है। और तुम? पता नहीं। ओ यार गोगी, तुम मेरे बेटे होकर एक सर्वेंट की वजह से मैदान छोड़ के भाग रहे हो? देखो गोगी, मेरी बात सुनो, जाओ और जिया को समझाओ। वो भी बच्ची है यार, उसे अपने और अप्पू के बीच का फर्क बताओ। जो समझना समझाना था वो दोनों समझ गए। तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? अप्पू और जिया के बीच की लड़ाई को सुलझाने आया हूं मैं, ताकि जिया के चेहरे पे एक स्माइल आए। अच्छा, तू अगर उसके चेहरे पे स्माइल लाने आया है तो फिर हमारे चेहरे की स्माइल तो गायब हो जाए। और मेरी बात सुन, हम यहाँ गेट वे ऑफ इंडिया और जुहू बीच घूमने नहीं आए हैं। हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं, और यहाँ से अगर लंदन लौटूंगा तो जिया को साथ लेके लौटूंगा। प्लीज, अगर फ्लाइट में जिया हमारे साथ नहीं होगी तो फिर हमारी जिंदगी की फ्लाइट तो क्रैश हो जाएगी। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है, जिया कुछ और चाहती है। ओए जिया क्या चाहती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि हम लोग क्या चाहते हैं और होगा भी वही। डन, देख मैंने कह दिया तो कह दिया तुझसे, इससे आगे मेरे से जवाबदारी मत मांगना। आप अपूर्व ढूंढ रहे थे ना? थैंक यू। ओए ये भी अपूर्व के पीछे चला गया। ओए मैंने हवाई जहाज के दो टिकट खर्चे हैं लंदन से यहां तक, अपूर्व के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए नहीं। बल्लू, ये गौरव तो कुछ भी करने से रहा, अब जो करना है सिर्फ तुझे ही करना है। कार जो करना है आज और अभी। देख मैं क्या करता हूं। सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, तुम मुझसे नहीं मिलो। अप्पू उससे मिलो, वो तुमसे मिलने के लिए बेचैन। शी रियली लव्स यू मैन। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। लुक गौरव, डोंट टॉक लाइक दैट। उसकी लाइफ में मुझसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड यू थिंक शी लव्स मी? आई डोंट थिंक सो। अपूर्वा ऐसा नहीं है, कुछ बातें कही नहीं जाती, समझी जाती है। जिया ये फिल्म सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही है। वो प्यार क्या जिसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो? कम ऑन अपूर्वा, कौन सरप्राइज है? यार ये कहां चला गया, कब आएगा? अरे बल्लू, ओ महेश, मेरे दोस्त, मेरे यार। अरे यार इतनी लेट कहां से आ रहा है? अरे मैं बस खाना खा के आ रहा हूं। खाना खा लिया तूने? हाँ खा लिया ना। अब बैठ 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 इधर है। अगर तूने खाना खा लिया है ना तो ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। खीर। ये ले भाई, आएगा माल है। और इस खीर से क्या दुश्मनी है तेरी? ये ले पकड़।
घर का खाना खा के मजा आ गया ना। मुझे पता है यार, तू घर के खाने के बगैर रह ही नहीं सकता, और घर वालों के बगैर भी। ओ चल चल चल, चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ओए, इधर देख। और मैं तुझे कार चलने के लिए थोड़ी कह रहा हूं यार। मुझे सामने चौक है ना, वहां बहुत बढ़िया मीठा बनारसी पान मिलता है, मैं अभी पता करके आ रहा हूं। आएगा? आएगा ना? एक शर्त है मेरी, पान मैं खिलाऊंगा तुझे, लेकिन पैसे तुझे देने पड़ेंगे। ठीक है। चलता है? हाँ चल, लेकिन मैं जरा मुंह धो के आता चला गया। अगर तुम मुझे ढूंढ रही थी तो फिर गौरव को क्यों भेजा? नहीं अप्पू, तुम गलत समझ रहे हो। गौरव तो मेरी मदद करना चाह रहा था, वो जानता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो हमें मिलाना चाह रहा था। ऐसी तो तुम्हारी नजरों में वो हीरो बनना है, इसीलिए तुम उसके साथ लंच पर गई, वो भी मेरे बिना। नाइस, वेरी नाइस। पापू प्लीज, मुझ पे ऐसे इल्जाम मत लगाओ, तुम जानते हो। अल्लाह जी आपको, अल्लाह जी आपको। इस दुनिया में तुम मुझे सबसे प्यारे हो पापू, तुम पापू, अल्लाह भी पापू, प्लीज मेरा यकीन करो पापू। I love you, Appu. पैसे मिल जाएंगे एक दो दिन में तो नहीं हो सकता, एटलीस्ट एक वीक तो जाएगा। देखिए प्लीज,
प्लीज बे विद अस. थैंक यू सो मच. किसने कहा आपसे? हाँ बिल्कुल, इक्विपमेंट तो चाहिए ही हमको. जी नहीं, ना ही हमारी फिल्म बंद हो रही है, ना ही फिनांसर हमें छोड़कर गए हैं. सब कुछ ठीक है. पता नहीं, शायद कोई अफवाह फैला रहा होगा. हाँ प्लीज भेज दीजिए. हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे. पापा तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं गौरव अपू, वो तो सिर्फ मेरी मदद कर रहा है. तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ. ये फिल्म मैं अपने पापा की मर्जी के खिलाफ कर रही हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ. सिर्फ तुम चाहते हो इसलिए मैं फिल्म कर रही हूँ, तुम जानते हो ना अपू. एनीवे जिया फिल्म को भूल जाओ. क्या जिया फिल्म शुरू होने से पहले फिल्म बंद हो रही है? पर क्यों? पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए. यू मस्ट बी रियली हैप्पी. अब तुम किसी भी तरह की कमिटमेंट से फ्री हो. और अगर हमारा रिश्ता इस फिल्म तक था फिर हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है जिया. अब तुम खुशी खुशी उस गौरव से शादी कर सकती हो. इससे पहले कि कुछ ऊंच नीच हो जाए हमें अपूर्वा की और जिया की शादी करवा देनी चाहिए. बस बहुत बुरे से भी बुरा करूंगा. जी तो मेरा भी करता है कि मैं सब गला दबा. क्या क्या सोच कर आया था मैं लंदन से कि महेश की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलूं.